मेरे यानी रूमी के साथ आप सुन रहे हैं वीरांगना, जिसे लिखा है अंकु ठाकुर ने, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज आप सबको एक बहुत ही दुखद घटना की जानकारी देने के लिए बुलाया गया है। एसटीएफ की टीम वीर तभी एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खुल गया। सबने चौंक कर उस ओर देखा, वीरांगना खड़ी थी। कमिश्नर प्रताप की आवाज हलक में अटक गई और होम मिनिस्टर चाहल का चेहरा पीला पड़ गया। वीरांगना की आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर मौत झलक रही थी। वीरांगना ने अंदर आते हुए अपनी गन निकाली। अंदर दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, वो अपनी गन संभाले वीरांगना की ओर बढ़े। वीरांगना ने अपनी गन के ऊपरी हिस्से को आगे पीछे किया और अपनी गन तान कर दो फायर किए। दोनों गोलियां उन दो सिक्योरिटी गार्ड के माथे में छेद कर गई। हॉल में चीखें गूंज उठी। कुछ बहादुर रिपोर्टर अपने कैमरे को संभाले इस नजारे को कैद करने लगे। वीरांगना कमिश्नर प्रताप और होम मिनिस्टर चाहल के सामने जा पहुंची। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया था। वीरांगना ने चिल्लाकर कहा, मुस्तफा ने मेरी पूरी टीम को मार डाला, अब तुम लोगों की बारी है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, वीरांगना ने निशाना साधा और होम मिनिस्टर चाहल को गोली मार दी। होम मिनिस्टर स्टेज से नीचे गिर गया। चीखें और तेज हो गईं। कमिश्नर प्रताप ने कहना चाहा, अभी वीरांगना ने गन घुमाई और सामने से आते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड को भी हेडशॉट कर दिया। कमिश्नर प्रताप कांप उठा। वीरांगना ने गन उसकी तरफ घुमाई। वीरांगना ने कहा, सिकंदर खान कभी नहीं जीत सकता। इतना कहकर वीरांगना ने दो गोलियां कमिश्नर प्रताप के माथे के पीछों पीछ मार दी। रिपोर्टर की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई और वो भाग दौड़ करने लगा। तभी वीरांगना को किसी ने पकड़ा। वीरांगना ने घूमकर उस इंसान को पंच मारना चाहा, पर उसके हाथ रुक गए। सामने सृजन था। उसने वीरांगना के हाथों में हथकड़ी डाल दी। वीरांगना को अरेस्ट कर लिया गया। उसने जो भी किया और कहा, उसे संभालना मुश्किल था। पाटिल ने चाल चली और कहा कि मुस्तफा को वीरांगना ने भगाने की कोशिश की। वीरांगना की टीम ने उसे रोकना चाहा, मगर वीरांगना और मुस्तफा ने पूरी टीम को मार डाला। पाटिल ने कहा, हम एसटीएफ की तरफ से पूरी टीम को सलाम करते हैं कि उन्होंने अपनी टीम लीडर को गद्दारी से रोकने के लिए अपनी जान दे दी। उन लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी है, हम ऐसे जज्बे को सलाम करते हैं। वीरांगना को दिल्ली स्पेशल फोर्स के पास भेज दिया गया। वीरांगना के पास कोई पेनड्राइव नहीं मिला। वीरांगना जहां उस पेनड्राइव को छुपा सकती थी, पाटिल ने हर जगह ढूंढा, मगर उसे कुछ नहीं मिला। वीरांगना की बहन काव्या और उसकी माँ को भी कुछ पता नहीं था। वीरांगना जानती थी कि वो अगर किसी से भी मिली तो वो सब मिलने वाले की जान के पीछे पड़ जाएंगे। वीरांगना ने किसी से भी मिलने के लिए मना कर दिया। काव्या और माँ ने बहुत कोशिश की उससे मिलने की, मगर उसने मना कर दिया। वीरांगना चुप हो गई थी। पाटिल को लगा था कि वीरांगना उसकी सच्चाई नहीं जानती होगी, लेकिन उसने पेनड्राइव के बारे में वीरांगना से जानना चाहा, मगर वीरांगना ने कुछ नहीं कहा। स्पेशल फोर्स ने उस पर थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वीरांगना फिर भी टस से मस नहीं हुई। वीरांगना को भूखा रखा गया। कई बार उसे जलाया भी गया, मगर वीरांगना को तोड़ना आसान नहीं था। उसे रोज टॉर्चर किया जाता। वीरांगना सब सहती रही, पर 3 महीने बाद उसकी बॉडी ने जवाब दे दिया और वो हॉस्पिटल पहुंच गई। उसके हॉस्पिटल पहुंचने के एक दिन बाद ही उस पेनड्राइव की इन्फॉर्मेशन का 1% हिस्सा सोशल साइट्स और बड़े बड़े न्यूज चैनल के पास पहुंच गया। इंडिया के कुछ टॉप बिजनेसमैन और कुछ नेता रातों रात जेल पहुंच गए। मुस्तफा और उसके आदमियों को एक मैसेज मिला, अगर वीरांगना को कुछ भी हुआ तो अभी तो 1% इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, हम पूरा पेनड्राइव भी लीक कर सकते हैं। मुस्तफा और पाटिल ने बहुत कोशिश की कि वो इन्फॉर्मेशन किसने लीक की, मैसेज किसने भेजा, वो पेनड्राइव किसके पास था, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सब डर गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वीरांगना के मरने के बाद इन्फॉर्मेशन बाहर आई तो वो उसे झूठा साबित नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीरांगना जैसे ही ठीक हुई उसे जेल में शिफ्ट कर दिया। उसकी बहन काव्या ने भी मसूरी ट्रांसफर करवा लिया, मगर वीरांगना अब भी किसी से मिलना नहीं चाहती थी और ना ही उसने किसी से कुछ कहा। उसे बस इतना सुकून था कि उसकी टीम को पूरी इज्जत मिली और पेनड्राइव भी सेफ हाथों में था। वीरांगना ने पूरी कहानी सुनाकर सबकी तरफ देखा। सृजन, विराज और बाकी सब सन्न थे। वहीं जैक, अयान और जैस्मीन के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, सन्नाटा छाया था। थोड़ी देर बाद विराज ने कहा, तुमने इतना सब कुछ कैसे झेल लिया, किसी से तो कुछ कहती। वीरांगना ने कहा, इतना सब होने के बाद किसी पर भी ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया था मेरे लिए, और अगर बता भी देती तो कौन यकीन करता। आहना ने कहा, पाटिल सर भी इन सब में शामिल हैं। वीरांगना ने कहा, हाँ, मगर उन्हें लगता है कि मैं इस बात से अनजान हूँ। अयान ने कहा, यह बात तो मुस्तफा भी नहीं जानता कि तुम पाटिल के बारे में जानती हो। वीरांगना ने उसकी तरफ देखा। साहिल ने कहा, वो पेनड्राइव तुमने वो किसके पास रखा है। सब वीरांगना की ओर देखने लगे। वीरांगना ने मुस्कुराकर कहा, इसके बारे में मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, और तुम लोग भी ना ही जानो तो बेटर है। सृजन, जो अब तक चुप बैठा था, उसने भरे गले से कहा, तुम्हें इसलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि सान्या मुझे पाना चाहती थी और मैंने एक बार भी तुम्हारी बात नहीं सुनी। वीरांगना ने कहा, मुझे तुमसे कोई कंप्लेंट नहीं है, आई किल योर अंकल। तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। साहिल ने कुछ सोचते हुए कहा, तभी उन लोगों ने तुम्हें फांसी नहीं होने दी, क्योंकि फिर पेनड्राइव की सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती, तभी तुम्हें जिंदा रखा गया था। वीरांगना, जैक और अयान ने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखा। जैस्मीन ने भी वीरांगना की ओर देखा और फिर कहा, हाँ भी और नहीं भी। विराज ने कहा, मतलब? वीरांगना ने कहा, मुझे फांसी ना होने की एक और वजह है। विराज, सृजन, आहना और साहिल वीरांगना के मुंह की ओर ताकने लगे। वीरांगना ने कुछ नहीं कहा तो जय कहने लगा, ये भी बता ही दो वीरांगना, बाद में भी ये सब जान ही जाएंगे, तुम बताओगी तो झटका कम जोर से लगेगा। अयान ने कहा, हाँ वीरांगना, इतना सब बता ही चुकी हो तो ये भी बता ही दो। सृजन ने कहा, क्या बता दो, ऐसा क्या है कि जो तुम सबको बताए और हमें नहीं। जैस्मीन कहने लगी, सिकंदर खान वीरांगना को मरने नहीं दे सकता। विराज ने हैरान होते हुए कहा, व्हाई, सिकंदर खान वीरांगना को मरने क्यों नहीं दे सकता। सब वीरांगना की ओर देखने लगे। वीरांगना ने गहरी सांस ली और फिर कहा,
Because he is my real father. I am his biological daughter. सबके सिर पर मानो बम फटा हो। वीरांगना के खुलासे के बाद सब सन्न रह गए। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। वीरांगना ने सबकी तरफ देखा और फिर कहा, मेरी फांसी ना होने की सबसे बड़ी वजह यही है। जब मैं जेल में थी, सिकंदर खान ने बहुत कोशिश की कि मैं जेल से निकलकर मॉरिशस आ जाऊं। मॉरिशस में जब हमने आदिल और मुस्तफा को पकड़ा था, तब भी मेरी टीम के बचने की सबसे बड़ी यही वजह थी। सर्जन ने मुश्किल से कहा, मतलब तुम सच में सिकंदर खान की बेटी हो? वो सच में तुम्हारे डैड हैं? वीरांगना ने कहा, बायोलॉजिकल डैड, बट मैंने कभी उसे अपना बाप नहीं माना। विराज ने सोचते हुए कहा, तो इसका मतलब कि तुम्हारे मॉरिशस आने का रीजन सिकंदर खान का तुम्हारे बाप बेटी का रिश्ता? फिर कुछ ना समझ आने की वजह से वो चिढ़कर बोला, हाँ, दिस इज मेकिंग मी सिक। आहना ने पूछा, होल्ड अ सेकंड, तुम्हें कब पता चला कि वो तुम्हारे डैड हैं? वीरांगना ने कहा, 10 साल पहले, जब उसने मेरे दूसरे डैड कमिश्नर सिंह को मारा था। साहिल ने सिर खुजलाते हुए कहा, मैं सच में पागल हो जाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आयान ने मुस्कुराकर कहा, वीरांगना, इन्हें सब कुछ शुरू से बताओ, तब इनको समझ में आएगा। जैग ने स्नैक्स का एक पैकेट खोला और फिर वो सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, ये सच में मूर्खों की फौज है। तभी अंदर से अयांशी के रोने की आवाज आई, तो जैस्मीन अंदर चली गई। वीरांगना ने कहना शुरू किया, मेरी माँ, वो हिंदू थी। वो और सिकंदर एक साथ एक अनाथ आश्रम में पले बड़े थे। सिकंदर खान पहले किसी जिम में एज अ ट्रेनर काम करता था और मेरी माँ उसी जिम में रिसेप्शनिस्ट थी। एक दिन एक कस्टमर ने मेरी माँ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उन्हें बचाने के लिए सिकंदर ने उस आदमी को मार डाला। अमीर घर का लड़का था तो सिकंदर खान को एकदम जेल हो गई। माँ ने सिकंदर खान से जेल में मिलना नहीं बंद किया, मगर एक दिन उन्हें पता चला कि सिकंदर खान को एक मशहूर डॉन ने जेल से निकलवा दिया। शेर खान नाम था उसका। साहिल ने कहा, हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। वीरांगना ने आगे कहते हुए कहा, माँ उसके बाद सिकंदर खान से नहीं मिल पाई। सिकंदर खान शेर खान का खास आदमी बन गया। उसके साथ मुस्तफा और आदिल भी थे। शेर खान ने मरते वक्त सब कुछ अपना सिकंदर खान को दे दिया, अपनी बेटी भी। सब बहुत गौर से सुन रहे थे। वीरांगना ने कहा, माँ को जब सिकंदर खान की शादी का पता चला, वो और टूट गई। फिर उन्होंने भी शादी कर ली एक पुलिस ऑफिसर से जो कमिश्नर सिंह के अंडर काम करता था। पर शायद उनकी किस्मत खराब थी। शादी के 2 ही महीने बाद सिकंदर खान के साथ हुए शूटआउट में उनके पति की मौत हो गई। सिकंदर खान उस पुलिस ऑफिसर के संस्कार पर आया कमिश्नर सिंह को चढ़ाने। वहां पर उसने माँ को देखा। पति के मरने के बाद सब लोगों ने माँ को मनहूस मानकर घर से निकाल दिया। कमिश्नर सिंह ने माँ को पनाह देनी चाही, मगर कमिश्नर सिंह की माँ यानी कि मेरी दादी ने भी मेरी माँ को घर में रहने से साफ मना कर दिया। जब माँ भटक रही थी तो सिकंदर खान उन्हें ले आया। पहले माँ नहीं मानी तो सिकंदर खान उन्हें जबरदस्ती ले गया। वीरांगना ने सबकी तरफ नजरें घुमाई, फिर कहने लगी, माँ नहीं जानती थी कि उनके पति को सिकंदर खान के आदमियों ने मारा है। सिकंदर खान ने माँ को उसके साथ रहने के लिए कहा। माँ शायद तब भी सिकंदर खान से बहुत प्यार करती थी। थोड़े टाइम बाद वो मान गई और एक गलती कर बैठी। वीरांगना ने गहरी सांस भरी और बोली, गलती का रिजल्ट मैं बनकर उनकी कोख में था जब उन्होंने मुस्तफा और आदिल की बातें सुनी। तब उन्हें पता चला कि सिकंदर खान के आदमियों ने उनके पति को मारा। वो संभल पाती इससे पहले ही सिकंदर खान की पहली पत्नी वहां आ गई। तब माँ को पता चला कि सिकंदर